बैग वैग सब पैक हो चुका है अभी। इट्स टाइम टू से होटल का रूम बाय बाय। सो अभी टाइम हो रहा है 7:48। आज हम थोड़ा लेट उठे क्योंकि वाइजैग तक सिर्फ 450 किलोमीटर ही है, मतलब 450 लगभग किलोमीटर है, तो इसलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं उसके बाद निकलते हैं रूम से। फिर से हम लोग सोच रहे थे तेल का प्रॉब्लम है, लेकिन लग तो रहा है फ्यूज का प्रॉब्लम है। फिर से इग्निशन चला गया, ये वायरिंग चेंज करना ही पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा यार। उस दिन बैटरी लूज था तो मे बी गया, हाँ शायद बैटरी फिर से लूज है, नहीं तो इस फ्यूज पूरा गया है। देख लेते हैं क्या है। ए, वो इधर है। हाँ बैटरी कनेक्शन देख एक बार और फ्यूज चेक कर, फ्यूज उड़ा है कि नहीं। अरे उड़ गया है क्या, ये देख, दे चाबी दे। रैप कर उसी का प्रॉब्लम है। ओ भाई साहब, वो बैटरी का प्रॉब्लम है यार, और बाकी कुछ नहीं है। वो हिलते हिलते मतलब झटके की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। थैंक गॉड कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यू नहीं आया, नहीं तो यार राइड की वजह से इस गांव के अंदर कहाँ गराज ढूंढते फिरते हम लोग। ओ भाई साहब, मतलब क्या ही बोलू, 30 किलोमीटर ऐसा एकदम मतलब गांव वाला रास्ता, ऊपर से इतना स्पीड ब्रेकर्स दिमाग गर्म कर दिया है। और अभी व्यूज देखो आप, आगे पहाड़, साइड में पानी और रास्ता, भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं। रास्ता का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, भागने में मस्त लग रहा है। 80-90 के स्पीड से गाड़ी भाग रही है, और क्या चाहिए बोलो, एक राइडर को तो क्या चाहिए, पेट्रोल फुल टैंक, रास्ता अच्छा हो, वेदर अच्छा हो गया बात खत्म, और क्या चाहिए। बाप रे बाप, क्या रास्ता है भाई साहब। ओहो ये पहाड़, और पहाड़ के वो देखो उधर, हम लोगों को नहीं दिखेगा मुझे पता है, क्योंकि गोपड़ा तो बहुत ही छोटा छोटा करके दिखाता है, लेकिन व्यू जो मस्त लग रहा है ना। ऑल राइट, लेकिन व्यू बहुत ही ज़्यादा मस्त है। देखो अभी 92 के स्पीड में है, लेकिन लगता नहीं है कि 92 के स्पीड से जा रहे हैं हेलमेट पहनने की वजह से। जब मीटर में देखते ला बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। इधर थोड़ा ऐसे हम लोगों ने रेस्ट वेस्ट ले लिया है। रेस्ट नहीं लिया था गाइस, पिछवाड़ा बहुत जला था, मैं सह नहीं पाया, बहुत जला, मैं कूद गया गाड़ी से। कसम से मतलब बहुत ही ज्यादा जल रहा है दोनों का। मैं चलाने वाले का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो तो पीछे बैठता है भाई साहब, बहुत जो पीछे बैठता है लाइफ में, पीछे मत बैठिए और दो जने एक साथ लॉन्ग ड्राइव पे मत जाइए, रिपीट करता हूँ कभी नहीं। ऊपर से मतलब स्पोर्ट्स बाइक पे ठीक है, बाकी ऐसे ही जा सकते हैं नॉर्मली। पूरा 12 बजे हम लोग आंध्र प्रदेश में एंटर हो चुके हैं, ये देख सकते हो ये आंध्र प्रदेश, और ये एक है ढाबा जगह बंधु फैमिली ढाबा, तो इस ढाबे पे हम लोग रुके हैं। इधर रोटी के लिए पूछा, रोटी है बोला, तो वही थोड़ा खा पी के थोड़ा रेस्ट करके इधर से फिर वाइजा के लिए निकल के जाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया, अभी चलते हैं। सुबह सर कुछ नहीं खाया था, अभी इधर मतलब रोटी खाया, रोटी 1-3 रुपए करके। आंध्र प्रदेश में रोटी मिल गया बहुत ही किस्मत का बात है, मतलब इधर मिल गया वही हमारा किस्मत का बात है। रोटी छोटा छोटा ही था, पतला पतला था, लेकिन मिला तो सही, लेकिन उसका प्राइस भी कम है यार, 3 रुपए करके है। लेकिन चिकन आइटम्स जो है वो सब थोड़ा ज्यादा है, वो सब छोड़ो अभी। अभी इधर से गूगल में बता रहा है वाइजैग बीच जो है वो है 150 किलोमीटर,
और विशाखापट्टनम इधर से 156 किलोमीटर। तो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे राइट को सीधा वाइजाग तक, लेकिन इधर से आधा जितना हो सके मैं चलाऊंगा और उसके बाद रूसो चलाएगा। आंध्र प्रदेश में 108 रुपीस है पेट्रोल का भाई। जैसे जैसे हम लोग स्टेट को क्रॉस करते गए वैसे वैसे पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता देखा। असम में जब थे हम लोग 97 था, वेस्ट बंगाल में 103, ओडिशा में 104, अभी आंध्र प्रदेश में 108 रुपए। भाई साहब क्या ही बोलो, पेट्रोल की कीमत तो एकदम आसमान चूम रही है यार। चलो कोई नहीं, असम के जो तेजपुर पहुँचने से पहले इतना गंदा गंदा डाइवर्जेंस था, और एक ये है आंध्र प्रदेश की भाईजाग पहुंचने से पहले डाइवर्जन देखो, मतलब इनको गलती नहीं है। अब ये किसी का गलती तो बता नहीं सकता क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो इसी की वजह से तो डाइवर्जन है। भाई साहब ले 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 ले, ले। क्या रास्ते हैं, वाओ। इस तरह की ट्रैफिक की वजह से ही ब्रिज का पेंट बहुत ज्यादा होता है यार। मैं पेन को पेंट पेंट बोल देता हूँ कभी कभी, मतलब स्पीड में बोलने के चक्कर में कभी पेन को पेंट पेंट एज ए टी का मतलब प्रोनाउंस हो जाता है, तो गलती माफ। ओ भाई साहब पूरा रास्ता तुम ही ले लो, तेलो नहीं ले लिया है। ये अच्छा काम किया है इसने ताकि इसको कोई ओवरटेक ना करे। चलो थोड़ा तो अच्छा रास्ता मिला और थोड़ा गाड़ी भागेगा इधर पे। जितने भी मतलब है काम अभी तक चल रहा है, ये सब काम हो जाने के बाद मतलब रास्ता तो बहुत ही मस्त हो जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम पे ये इस जगह पे मतलब बहुत ही दूर से आके ये ट्रैफिक क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सो गाइस सीधा बाइक से अभी मुझे देख रहे हो ये साइड में नीचे पैदल जा रहा हूँ, पैदल वो भी बिना चप्पल के। रीजन क्या, मैं आप लोगों को कल बताया था कि ओडिशा का जो मतलब बीच था उधर से लेके और एक बीच में जाऊंगा, तो ये लो भाई मैं भाईजा के बीच में पहुंच गया हूँ। ओडिशा के बीच से इधर तक तकरीबन किलोमीटर है 450, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्यूरेट मुझे नहीं पता है। तो ये देखो यार, एक ही ट्रिप में दो दो बीच में मैं घूम लिया, दो दो समंदर का मजा ले लिया यार, क्या ही चाहिए बोलो। यार इधर आके एक चीज नोटिस किया मैंने, ये देखो इधर है नॉर्मल बीच की तरह कलर और इधर है ब्लैक, इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है मुझे बताओ कि इसका रीजन क्या है। और भाई आज ज़्यादा धूप नहीं है तो समंदर का पानी का कलर मतलब नॉर्मल पानी का कलर के जैसा ही है, अगर अच्छा होता तो मस्त होता, मतलब ब्लू ब्लू आता तो अच्छा लगता। सो गाइस इस साइड में ये पत्थर वत्थर है और सीन्स देखने में मस्त लग रहा है फोटो वोटो खींचने के लिए, इधर ही लोग ज़्यादा मतलब है देख सकते हो इधर ही, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है अकेले अगर हो बैठ के वो स्टेटस वेटस लगाने के लिए, मतलब वीडियो मस्त आएगा। इधर कहीं पे बैठे रहो और दोस्त को बताओ कि एक वीडियो पीछे से ले ऐसे ही, और एकदम सेट सा गाना लगा दो, ले हो गया सेट स्टेटस वीडियो व्हाट्सएप वीडियो। सो गाइस समंदर के किनारे बैठे हैं हम दो और ये रहा सी फूड, इतना बड़ा बड़ा साइज का प्रॉन फिश।
हम दोनों ने दो प्लेट ऑर्डर किया है दोनों ने, अभी खा के इसका टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। वाओ, देखने में मस्त लग रहा है। ये देखो हाथ इतना है और ये बहुत बड़ा है, मतलब साइज में बहुत बड़ा बड़ा होता है। लजीज। सो गाइस, बीच से मतलब रूम के लिए जब लौट रहे थे तभी हम लोगों ने खाना ले लिया था, बिरयानी ले लिया। 4 महीने के बाद बिरयानी खा रहे हैं, वो भी साउथ इंडियन। तो ये सब खा वा के उसके बाद वीडियो एडिटिंग पे लगेंगे, उसके बाद इधर लुढ़क जाएंगे हम दोनों। ये है पूरा बैग इधर रखा, टीवी भी चल रहा है बिंदास मस्त। रूम बहुत ही अच्छा है, रूम का कॉस्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा ही है, लेकिन दो लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। तो गाइज, आज का वीडियो इतना तक ही था, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।